हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से, और ये मेरा पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग फिर से पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बिल्ट इन टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में बिल्ट इन टाइप्स क्या क्या हैं? तो यहां पर जो बिल्ट इन टाइप्स है वो है नंबर्स, स्ट्रिंग्स, टपल्स, लिस्ट, उसके बाद डिक्शनरी और फाइनली सेट्स। तो ये जो है बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं पाइथन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ पाइथन हैंडल मेमोरी मैनेजमेंट। पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करता है? तो यहां पर पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए हीप डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। तो पाइथन यूज्ड हीप टू मेंटेन द मेमोरी। हीप जो है उसके बाद ब्रैकेट में प्राइवेट इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो हीप है वो केवल पाइथन इंटरप्रेटर ही एक्सेस कर सकता है, यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है। हीप होल्ड ऑल द पाइथन ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा स्ट्रक्चर। हीप जो है पाइथन के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसको होल्ड करता है। और फाइनली जो मैंने बोला था वो यहां पर लिखा हुआ है, हीप ओनली एक्सेसिबल बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। हीप जो है केवल पाइथन इंटरप्रेटर से ही एक्सेसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट आर ऑप्शनल बिटवीन ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। जो हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते हैं पाइथन में, उसमें कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है लिखना, वो है फाइनली और एल्स। तो ये दो स्टेटमेंट है जो कि ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द स्लाइसिंग इन पाइथन। पाइथन में स्लाइसिंग क्या होता है? एक्चुअली क्या है, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है या लिस्ट है या टपल है, उसमें से उसका कोई सब पार्ट आप अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए स्लाइसिंग करना पड़ता है। तो यहां पर देखिए लिखा है टू एक्सट्रैक्ट द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। तो यहां पर एग्जांपल है कैसे आप स्लाइसिंग करेंगे। सपोज दैट आपके पास एक लिस्ट वन है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स निकालने हैं। तो यहां पर आप जैसे लिखा हुआ है 1:7, इसका मतलब वन नंबर इंडेक्स से ये एक्सट्रैक्ट करेगा और कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा, 7 तक नहीं जाएगा। ठीक है, यहां पर जो लास्ट डिजिट होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, मतलब ये इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट होगा और इंडेक्स नंबर 6 तक जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंटैक्स टू राइट ए फंक्शन। अगर आपको पाइथन में फंक्शन लिखना है तो क्या सिंटैक्स है? तो उसके लिए यहां पर डेफ कीवर्ड यूज होता है। डेफ कीवर्ड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए होता है। उसके बाद यहां पर हम लिखते हैं फंक्शन का नाम, उसके बाद जो भी आर्गुमेंट्स है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर लास्ट में कॉलोन देते हैं, और उसके बाद नीचे जितने भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो इस फंक्शन के अंदर होगा। ठीक है, तो ये पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटरव्यू में या फिर ऑनलाइन टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।